हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड पहले भी हमने बातें करी है, हमने वीडियो बनाया है, आपको बताया भी था कंपनी का शेयर भागेगा और भागता भी नज़र आया। ओके, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। बट बात करें रिजल्ट उसके, आज आने थे, आज रिजल्ट आए और रिजल्ट अच्छे आए। ऐसा नहीं है कि बेकार रिजल्ट आए, बट रिजल्ट आने के बावजूद भी वो शेयर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई, गिरता हुआ दिखाई दिया। क्या हमें उसे बेच देना चाहिए, क्या हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का फेवरेट शेयर रहा है, जिस तरीके की रैली उसने बनाई है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और अभी एक वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है, बट हाँ अब वीडियो आ जाएगी, एक साथ अपलोड करूंगा, तो आपको पता चलेगा दो शेयर है जिसमें मैंने पोजीशन ली है और काफ़ी बेहतरीन वहां पर नजर आ रही है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं फ्री में। एज वेल एज अगर बात करें, आप बहुत सारी वीडियोज दे रखी है, लिंक है वहां पर, आप देख के सीख सकते हैं। अगर बात करते हैं हम कंपनी के बात, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर बात करते हैं कंपनी की पॉली मेडिक्योर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले। तो अगर रिजल्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर ₹2.05 का यहाँ पर डिविडेंड, ₹2.50 का डिविडेंड भी दिया है। ओके, एंड एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, तो रिजल्ट थोड़ा प्रिंट आउट बेकार है। ओके, यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट देखते हैं। ओके, लगभग सेम ही है, उसमें आपको 19-20 का अंतर दिखाई देगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बात करें इस बार के रिजल्ट है, Q3 के रिजल्ट है, Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20,250 लाख, जैसे पहले 19,402, 15,917। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर एनुअली और बात करें क्वार्टरली, दोनों में जंप है। और टोटल इनकम की बात करें, वो भी लगभग यहाँ पर जंप ही नज़र आ रही है क्वार्टरली ईयरली वाइज। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी लगभग यहाँ पर लगभग ज़्यादा होते हुए नज़र आया, बट क्वार्टरली बेस की बात करें तो लगभग फ्लैट है, 15,983, इससे पहले 15,448, इससे पहले 13,818। एज वेल एज अगर बात करते हैं पर टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर टैक्स वगैरह देने के बाद, तो यहां पर देखिए 3,714 लाख, इससे पहले 3,351, इससे पहले 2,061। तो इतना लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो ईयरली बेस की बात करें, तो ईयरली बेस पे आज काफ़ी बेहतरीन, लगभग 2x कह सकते हैं, 1.75x यहाँ पर तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर एनुअली बेस, क्वार्टरली बेस पे ही बात करें, तो क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर लगभग 400 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है, जो कि आप EPS से भी देख सकते हैं, ₹4.07 का EPS इस बार है, ₹3.80 का पहले था, तो ₹2.34 का इससे पहले। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एनुअली वाइज और क्वार्टरली वाइज जंप आ रही है। देखिए कंपनी का नाम क्या है, पॉलीमेड। ओके, पॉलीमेडिक्योर इस कंपनी का नाम है। अगर बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, देखिए अच्छा खासा चल रहा था, वेट कर रहे थे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑन द टाइम आ गया शायद। और यहाँ पर देखें तो 7 से 8% की यहाँ पर गिरावट हो गई, और ऑल टाइम हाई की बात करें, तो आज के दिन ही इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया है शेयर ने, ₹1,165 पे जाता हुआ दिखाई दिया था, और 1,070 रुपये के आसपास ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आप इसे निकालोगे इस शेयर को, जबकि यहाँ पर कोविड की सिचुएशन बनी हुई है। एज अगर बात करें यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे है, 2011 से कंपनी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पर बात करें तो अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न 3,181% के रिटर्न आपको मिले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए आज के दिन ही 52 वीक हाई भी लगाया है, लो की बात करें 252 वीक लो था, तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर बात करें 217,000 डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर बात करते हैं, डिविडेंड यहाँ पर दे दिया गया है 2.5 का, आपको बता ही दिया है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर रिजल्ट भी आ गए हैं, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होल्डिंग वगैरह भी अच्छी है, यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नज़र आती है, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। कंपनी करती क्या है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कंपनी जितने भी यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट, इन्फ्यूजन थेरेपी, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में काम करती हुई नज़र आती है। कोविड की सिचुएशन में तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती हुई नज़र आती है। एनेस्थीसिया वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना प्रोडक्ट यहाँ पर कोविड केयर में ही ले जाता हूँ। देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो आप अगर चेकअप कराया होगा, तो चेकअप में ये टूल्स यूज़ होते हैं, तो आपके नाक में और आपके माउथ में ये डाले जाते हैं ओरल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कलेक्शन जो होता है,
वायरल कलेक्शन, तो ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। मास्क ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है फेस प्रोटेक्शन वाले, तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट काफ़ी सेल आउट हुए हैं, एज वेल एज इनके प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी सेल आउट हो रहे थे और अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने काम करके दिखाया, बिजनेस करके दिखाया है। यहाँ पर देख लीजिए 27% के लगभग यहाँ डेट है। ओके, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है 10,865। एज वेल एज बात करें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ओके, आरओसी की बात करें 24% का आरओसी है। यहाँ पर देख लीजिए सर्जिकल आइटम से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो मुझे तो ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर मैंने बहुत पहले मतलब 1000 के लेवल पर लिया था, भागा था बट मैंने नहीं बेचा क्योंकि मुझे पता है कल की डेट में ये शायद एक दो दिन बाद फिर भागता हुआ दिखाई दे या भागा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आपको पता ही है। बेशक से कोविड के केस बढ़ रहे हैं बट स्टिल यहाँ पर कोविड के केस बहुत ज़्यादा है, 2 लाख से प्लस अभी भी कोविड के केस आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए हाईएस्ट एवन यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है, और मार्च की बात करें यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें और भी ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर ईयरली बेस की बात करें वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वो भी कंसिस्टेंसी दिखाएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ में। रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग वगैरह यहाँ पर 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगी तब आप देखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके, यहाँ पर फिक्स एसेट मतलब कंपनी खर्च भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, कैश एसेट कंपनी के पास है। ओके, यहाँ पर सब चीज मतलब सब एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ओके, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, एज वेल एज बात करें प्रॉफिट इज पॉजिटिव, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसी कंपनी से निकलना नहीं, ऐसी कंपनी में रहना बनता है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी लगभग थोड़ी सी नहीं काफ़ी बेच दी है, 4% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। FIs की बात करें FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, देख रहे हैं यहाँ पर 3% से 12% लगभग लगभग अगर बात करें 9% के आसपास की होल्डिंग बढ़ा ली है। DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है 2%। पब्लिक ने बेची थी, पब्लिक से यहाँ पर उठा लिया, पब्लिक के पास भी नहीं है, पब्लिक के पास भी अगर बात करें कितनी है लगभग लगभग 10% की हिस्से 10-12% की हिस्सेदारी है, बाकी यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोगों के पास हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी को बेचना नहीं है, अपने रिडार पे रखना है। और अगर बात करें शेयर की चार्ट पैटर्न ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ओके तो चार्ट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर ये इस कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करें ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी चल रही है, ऑल टाइम हाई पे बस ये होता है कि या तो कंपनी भागती हुई नजर आती है फिर गिरती हुई नजर आती है। ओके, आज की डेट में यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, लगभग लगभग 7,96,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, बट कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है ट्रेडर्स ने यहाँ पर बेचा है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने नहीं बेचा होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर बुलिश है और ये शेयर आपको कुछ दिनों में शायद भागता हुआ दिखाई दे और यहाँ पर एक लेवल बनता हुआ दिखाई दे, एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी का नाम क्या है? पॉलीमेड। बिजनेस एनालिसिस हमने कर ली, फाइनेंशियल हमने देख लिया, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू देख लिया, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट देख लिया, इसकी अगर बात करें बैलेंस शीट अच्छी खासी है, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन दिए हुए, डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने पे किया है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज गुड। ओके, सब चीज़ यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट कैरी ऑन विद दिस कंपनी। ओके, पॉलीमेड, बट मेरा बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ भी पोजीशंस बनानी है, मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को कनेक्ट कराइए और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।